हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुंदरिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि हाफ नेट साड़ी होती है, उसे हम जिस तरीके से ड्रैप करते हैं रेगुलर ड्रैप से कुछ अलग भी ड्रैप करेंगे तो भी आपका लुक बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। आप देख ही रहे कि यहाँ पर मैंने जो है तो लहंगा लुक जो है तो क्रिएट किया हुआ है, और इससे भी ये जो साड़ी है दो कलर में, अगर आपके पास कंट्रास्ट कलर में साड़ी होगी तो आपको एक आइडिया आ जाएगी कि इस साड़ी को आप किस तरीके से पहनेंगे तो आपका लुक जो है तो अच्छा दिखाई देगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख ही रहे हैं कि मैंने जो है तो मेरा एक कॉटन का पेटीकोट पहन लिया है। हम यहाँ पर डबल पेटीकोट का यूज़ करेंगे ताकि हमारा लहंगा लुक जो है तो वो फ्लफ़ी टाइप का आ जाए, और फ्लफ़ी होने के कारण जो है तो तभी लहंगे का लुक जो है तो अच्छा दिखाई देगा। तो यहाँ पर डबल पेटीकोट का यूज़ करें, आपके पास कोई स्कर्ट है तो भी आप पहन सकते हैं। अब यहाँ पर एक नॉट बांध लेंगे ताकि हमारा लुक जो है तो अगर हमें कहीं पर शादी फंक्शन में पहनना है तो लुक वैसा का वैसा ही रहे, साड़ी इधर उधर ना हो। इसके लिए हम जो है तो यहाँ पर नॉट बांध के हमारे राइट साइड वाले कमर पर टक इन कर देंगे, और लेंथ वगैरह आपने ये सैंडल वगैरह पहन लेनी है जिससे कि लेंथ नीचे वाली हमको जो है तो समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर जो है तो हम इस तरीके से सारे प्लेट्स को अच्छे से बना लेंगे, जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ उसी तरीके से। पहले भी वाले कुछ वीडियो में भी मैंने जो है तो ये ट्रिक इस तरीके से जो है तो लहंगा लुक क्रिएट किया था, तो ज़्यादा मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। यहाँ पर इस तरीके से जो है तो हमें हमारा जो है तो पूरा लुक क्या करना है, क्रिएट कर लेना है। वन बाय वन हम यहाँ पर जो है तो थोड़ी थोड़ी चौड़ी प्लेट्स बनाएंगे, और इस तरीके से हमारी पूरी कमर को जो है तो ये इस प्लेट से हम टकिन करके जो है तो कवर कर लेंगे, और इस तरीके से जो है जो उठा के आपको जो है तो ये साइड पीछे वाली तरफ लेते जाना है। इस तरीके से आगे की तरफ हम इसके प्लेट्स बनाते जाएंगे और इसको उठाते हुए हम पीछे वाली साइड पर लेते जाएंगे। इस तरीके से पूरे साड़ी से और पूरी साड़ी यानी कि पूरे पोर्शन से हमको जो है तो पूरे कमर को टक इन कर देना है, और इस तरीके से देखिएगा फ्लफी लुक आया है और कितना अच्छा लुक इससे क्रिएट हो रहा है। ये साड़ी जो है तो नीचे की तरफ भी नेट और थोड़ा सा वर्क इस पर किया हुआ है, तो इससे इसका लुक बहुत ही सुंदर आता है और उभर कर दिखाई देता है। तो इस तरीके से पूरे कमर को हम जो है तो हमारी प्लेट से कवर कर लेंगे। आप देख ही रहे हैं कि मेरी पूरी कमर जो है तो ऐसे ही कवर हो चुकी है। आप चाहे तो इसे थ्रेड की हेल्प से पहले से ही करके बाद में पहन भी सकते हैं। अब यहाँ पर एंड वाला पोर्शन आ चुका है, मैंने एंड वाले पोर्शन को जो है तो हम इसी तरीके से जो है तो अंदर वाली साइड पर सेफ्टी पिन से इसे सिक्योर कर लेंगे, और ये जो पोर्शन है पीछे चला जाता है तो दिखाई नहीं देता और पल्लू से जो है तो वो कवर हो जाता है, इसीलिए जो है तो इसे सेफ्टी पिन से आप कवर कर लीजिएगा। देखिएगा ये वाला पोर्शन, यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है इस तरीके से यहाँ पर अंदर की साइड में हम जो है तो सेफ्टी पिन से इसे सिक्योर कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा और लुक इससे क्रिएट हो चुका है। बहुत ही इजी ट्रिक है। आपके पास अगर कुछ डिज़ाइनर वगैरह साड़ी है, हाफ नेट साड़ी है, तो इस ट्रिक का बिल्कुल यूज़ कीजिएगा। अगर इसी तरीके की नहीं है और दूसरी भी साड़ी है तो उससे भी ये लुक क्रिएट होता है। कॉटन के साड़ी के साथ या सिल्क के साड़ी के साथ भी ये लुक बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से देखिएगा, अब यहाँ पर जो है तो हम हमारा पल्लू सेट करेंगे, तो पल्लू के जिस तरीके से प्लेट्स बनाते हैं उसी तरीके से प्लेट्स में बना लूँगी, और इसको जो है तो दोनों साइड पर बॉर्डर है तो बॉर्डर के हिसाब से हम जो है तो इसको अच्छे से जो है तो इसका लुक उभर कर आए इस हिसाब से इसको जो है तो सेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको जो है तो सेट करेंगे और पल्लू के बॉर्डर को भी अच्छे तरीके से उभर कर दिखाई दे, इस तरीके से इसको सेट करेंगे। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। प्लीज़ सपोर्ट करें, आई नीड टू योर हेल्प, प्लीज़ सपोर्ट करें फ्रेंड्स, और जितना हो सके आप मेरे वीडियोज़ को शेयर करें। और जिन सब्सक्राइबर्स ने मुझ पर भरोसा रख के मुझे इतना प्यार दिया और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, थैंक यू वेरी मच। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है तो हमने हमारे लेफ्ट वाले शोल्डर पर पल्लू डाल दिया है, और इस तरीके से इसके बॉर्डर हम सेट करेंगे और इसको जो है तो सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। इस तरीके से देखिएगा, अब यहाँ पर सेफ्टी पिन से सिक्योर करने के बाद हम जो है तो नीचे वाला पोर्शन जो है तो इसको भी अच्छे से सेट करेंगे।
और ताकि हमारा लुक उभर कर दिखाई दे। यहाँ पर जो है तो इस तरीके से कमर पर भी हम सेफ्टी पिन से इसको अच्छे से हमारी बॉर्डर जो है तो उभर कर दिखाई दे, इस तरीके से हम इसको सेट करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इस तरीके से जो है तो ये लेफ्ट वाले शोल्डर पर हमने पल्लू डाला है। आप किसी भी तरीके से इसका पल्लू सेट करेंगे तभी तो लहंगे पर जो है तो लुक अलग अलग तरीके से और अलग अलग तरीके से उभर कर आपका लुक दिखाई देगा और अच्छा लुक आपका आएगा। आप किसी भी फंक्शन हो या पार्टी हो, शादी हो, किसी में भी ये लुक क्रिएट कर सकते हैं और थोड़ा सा मेकअप का टच देके आप इसे और भी अधिक उभर कर दिखाई देगा फिर। तो देखिएगा इस तरीके से हमारा जो लुक है तो वो क्रिएट हो चुका है और कितना अच्छा फ्लफी टाइप हमारा जो है तो पल्लू, हमारा जो है तो लहंगा क्रिएट हो चुका है। किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि ये साड़ी से ये लुक क्रिएट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये लुक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जो है तो मैंने अभी आपको सीधा पल्लू जो होता है हमारे लेफ्ट वाले शोल्डर पर वो दिखाया। अब हम देखेंगे कि राइट वाले शोल्डर पर और गुजराती स्टाइल में यह पल्लू है और पीछे की साइड में मैंने बहुत सारा पल्लू जो है तो ओपन रखा हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने जो है तो टकिंग कर लिया है और आगे के सामने तरफ ये पल्लू मैंने सेट किया है। ये भी ट्रैप मुझे जो है तो बहुत ही अच्छा लगा इस तरीके का पल्लू जो है। तो यहाँ पर भी आपको अगर लगे तो इस तरीके से सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लीजिएगा ताकि हमारा पल्लू जो है तो अच्छे से उभर कर दिखाई दे। इस तरीके से हम जो है इसको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये भी जो है तो सामने से इसके प्लेट्स दिखाई देते हैं और बहुत ही अच्छा दिखाई दे लगता है। आपको जिस तरीके से चाहे आप उस तरीके से पल्लू सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पीछे के साइड पर भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे रिंकल्स यहाँ पर आए हैं और कितना अच्छा लुक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप जिस तरीके का चाहे उस तरीके का लुक यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और अपने लुक को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो देखिएगा इस तरीके से हम जो है तो हमारे लुक को क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे अगर आपके पास कोई स्लीवलेस ब्लाउज है तो उस पर भी ये लुक इस तरीके का और भी अच्छा लगेगा। देखिएगा इस तरीके से हमने जो है तो यहाँ पर ओपन पल्लू रखा है। ओपन पल्लू से जो है तो हमारा लुक और भी उभर कर दिखाई दे रहा है। नेट की साड़ी होने के कारण इस तरीके से भी आपका लुक अच्छे से दिखाई देता है। अंदर की साइड फ्लफी टाइप लहंगा लग रहा है और ऊपर की साइड जो है तो इस तरीके से हम सिर्फ बॉर्डर को ऊपर की लेफ्ट वाले शोल्डर पर टक इन कर देंगे। और ये स्लीवलेस ब्लाउज जो है तो मैंने पहना हुआ है। पहले वाले लुक में जो था तो मेरा जो है तो वो एल्बो तक का ब्लाउज़ था और वहाँ पर उसमें जो है तो हम इस तरीके के ट्रैप करे थे तो भी अच्छा लगता। तो यहाँ पर जो है तो मुझे आपको थोड़ा सा अलग दिखाना था तो इसलिए मैंने जो है तो स्लीवलेस ब्लाउज़ पर भी आपको ये लुक दिखा दिया ताकि आपको एक आइडिया आ सके। तो इस तरीके से हम जो है तो इसको सेट करेंगे। अभी यहाँ पर जो है तो एक अलग तरीके का पल्लू देखेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से प्लेट्स कर लीजिएगा और प्लेट्स करने के बाद इसको जो है तो हम हमारे राइट वाले शोल्डर पर सामने की तरफ डालेंगे। सीधा पल्लू लेते हैं उस तरीके से यहाँ पर हम जो लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है तो हम पल्लू जो है तो बहुत ही लंबा लेंगे। नीचे की तरफ हमारा पल्लू जो है तो बहुत ही अच्छी तरीके से नीचे तक देखिए इस तरीके से होगा तो ये अच्छा दिखाई देगा। इसको जो है तो हम अगर हमारे ये सामने वाला भाग पोर्शन को इससे कवर करेंगे तो वो अच्छा नहीं दिखाई देगा, इसलिए जो है तो सीधे तरीके से सिर्फ पल्लू को लेना है। पीछे से भी देखिएगा कितना अच्छा लुक यहाँ से दिखाई देता है इस तरीके से। तो इस तरीके से भी आप इसका जो लुक है तो क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कौन सा लुक अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से अलग अलग पल्लू जो है तो आपको ऑप्शन में मैंने बता दिए हैं। तो आप कोई भी लुक क्रिएट कीजिएगा और पार्टी में, फंक्शन में या किसी शादी में पहनिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर जो है तो पल्लू को अलग तरीके से फिर से मैंने जो है तो क्रिएट किया है। यहाँ पर जो है तो दोनों बॉर्डर को उभर कर दिखाई दे इस तरीके से हमने सेट की है और बीच में वाला पोर्शन जो है तो वो भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से भी आप जो है तो सेफ्टी पिन से बना सकते हैं। तो देखिएगा, चलो तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब